आईटीआई छात्रों के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका है। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ एक परमानेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी का वीडियो। यह वीडियो जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कौन कौन से ट्रेड के लोग जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने किस ट्रेड के लिए कितने पोस्टें हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आप सभी को जो है समझ में आएगा कि आपको जो है कौन कौन से ट्रेड के लोग जो है इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यह जो है इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर रिटर्नर यह जो है वैकेंसी जो निकाली गई है आपको जो है एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेंडर बेसिस, यह जो है टेंडर बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हम बात करते हैं जो है कि आपकी जो है डिटेल्स की बात करते हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, डिसिप्लिन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन। इसमें हम बात करते हैं जो पोस्ट है, चैनल और सीरियल नंबर और ये पोस्ट दिया गया है। इसमें किस कैटेगरी के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन, और जो वैकेंसी निकाली गई इसमें रिजर्वेशन की सीटें कितनी हैं, टोटल पोस्ट कितनी गई हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, सारी डिटेल्स हम लोग जो है देखते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं जो कि हमारी पोस्ट निकाली गई फिटर ट्रेड के लिए, स्किल्स C5 जो हमारी फिटर ट्रेड के लिए पोस्टें निकाली गई है, यह जनरल कैटेगरी के लिए जो है 7 पोस्टें और OBC कैटेगरी के लिए 7 पोस्टें हैं, और EWS बोले तो ये भी जनरल कास्ट के ही आती है, टोटल जो है 3 पोस्टें निकाली है, टोटल जो है 17 पोस्टें के लिए वैकेंसी निकाली गई। NAC 3 ईयर्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है यह 3 ईयर का होना चाहिए। आई टी आई जो है सेकेंड 2 ईयर की जो ITI होती है, NAC या NCVT से जो है पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए। जो फिटर ट्रेड की वैकेंसी है इसमें क्या कहते हैं, आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है 3 साल का एक कोर्स होती है, यह भी जो अप्रेंटिस की तरफ से कराई जाती है, और 2 साल का आपके पास ITI जो है ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो है होना अनिवार्य है। और बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की, सेकंड ट्रेड की बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो इसमें स्किल C5 की तरफ से जो है जनरल के लिए 3 पोस्टें हैं और OBC के लिए 2 पोस्टें हैं, टोटल जो है 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। इस बीच में भी क्या दिया गया है, NAC 3 ईयर्स जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है यह 3 ईयर का होना चाहिए, और में दिया गया है ITI 2 ईयर, जो ITI जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ITI ही है 2 ईयर की होनी चाहिए, प्लस NAC या NCVT 1 ईयर की जो है, या आपके पास ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एक उसमें और क्या दिया गया है 1 साल की अप्रेंटिसशिप। थर्ड में बात करते हैं स्टोर केमिकल इसमें बात करते हैं तीन नंबर पोस्ट में स्टोर क्लेरिकल कॉम्यू रेरिकल असिस्टेंट एडमिन एड असिस्टेंट की तरफ से जो है, इसमें जो है SC5 की तरफ से जो है 5 टोटल जो है C5 की तरफ से, इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, और PWD के लिए 1 पोस्ट है, टोटल जो है 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, BA, BCom, BSc, BBA, BBM, BCA, BSwETC अंडर 10+2+3 पैटर्न फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड पर्सनल सर्टिफिकेट इन टाइपिंग स्टोनोग्राफर ग्राफी या PC ऑपरेशंस ETC मिनिमम जो है 3 मंथ। ये जो है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको जो है इतने क्वालिफिकेशंस जो है इन क्वालिफिकेशंस वाले ही जो है इस पोस्ट के लिए जो है फिल इलिजिबल हैं।
और अकाउंट्स की बात करते हैं, चार नंबर पोस्ट जो हमारा चार नंबर पोस्ट है वो अकाउंट के लिए, इसमें जो है जनरल के लिए टोटल एक पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए एक पोस्ट है, टोटल दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें क्या मांगा गया है, अकाउंट्स के लिए इसमें बीकॉम मांगा, बीकॉम जो है के लिए जो फॉर्म इस जो बीकॉम पैटर्न है बीकॉम के लिए मांगा है, इसमें 10+2+3 पैटर्न पर्सनल सर्टिफिकेट पीसी ऑपरेटर्स 3 ईयर, इसमें जो है 3 ईयर जो है पीसी ऑपरेटर होना चाहिए, 3 मंथ का जो है कम से कम 3 मंथ होना चाहिए। और सिविल की बात करते हैं तो इसमें जनरल के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है 3 ईयर की आपके पास जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। टेक्नीशियन हम बात करते हैं, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है और एक पोस्ट है, और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट है, टोटल जो है 7 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें जो है डिप्लोमा छात्रों के लिए है, डिप्लोमा छात्रों 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, 3 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंस्ट्रूमेंशन इलेक्ट्रीशियन एंड टेली कम्युनिकेशन, यह जो है 3 ईयर का जो है होना चाहिए। टेक्निकल टेक्निकल मैकेनिकल की बात करते हैं, इसमें स्किल्स D6 जनरल के लिए एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई, 3 ईयर जो है डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से मैकेनिकल। असिस्टेंट आईटी की बात करते हैं, 8 नंबर पोस्ट जो है इसमें एससी के लिए एक पोस्ट एसटी के लिए एक पोस्ट, टोटल 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी क्या मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस इनसे जो है होना चाहिए। जो जनरल का इसमें क्वालिफाइंग्स क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट जो क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, जो क्वालिफिकेशन हमने देखा उसमें जो जितने ट्रेड के लिए जो पोस्टें निकाली गई ये सारा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी वही क्वालिफिकेशन के ही बारे में बताया गया है। और एज लिमिट की हम बात करते हैं, रिलैक्सेशन कंडीशंस जो एज लिमिट इसमें रखी गई है, अपर एज लिमिट शैल बी 28 ईयर्स 28 ईयर्स 1/8/2023 से अनरिजर्व कैटेगरी और एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है इतने के बीच इतने से जो है आपकी एज जो है 28 ईयर होनी चाहिए। जो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो रिलैक्सेशन अप टू डेट एज 5 ईयर जो रखी गई है, यह क्या कहते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए रखी गई है, और जो 3 ईयर रखी गई है यह क्या कहते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है, और जो पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई एज रिलेशन की छूट की बात करते हैं यह 10 ईयर जो है रखी गई है। इसमें डेट भी दिया गया है 180, देखिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर इन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरी बिल स्टेट के लिए दिया गया है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में ही जो है होनी चाहिए। इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए जो दिया गया प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट एसएल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तमापुरा कर्नाटका हावेर दे आर लिएबल टू बी ट्रांसफर्ड पोस्ट अगेंस्ट टू एनी प्लेस। यह जो है क्या कहती है जो प्लेस पोस्टिंग आपकी जो प्लेस में पोस्टिंग होगी एचएल हेलीकॉप्टर की में जो पोस्टिंग होगी या क्या होगी कर्नाटका की पोस्ट के लिए जो है एक पोस्टिंग होगी। और इसमें क्या कहते हैं जो रिक्वायर्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें जो स्किल्स पे सैलरी की जो प्रोवाइड की जाने वाली है, इसमें और डिटेल्स की बात करते हैं तो इसमें जो है सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस की जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया ये कितना रखे हैं
सिलेक्शन भी क्या होगा कि थ्रू रिटन टेस्ट, आपको जो है रिटन टेस्ट जो है आपको रिटन टेस्ट देना होगा। और इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% एंड अबव, 60% से अबव जो है रखा गया। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 50% से जो है अबव एंड अबव जो है रखा गया है, इससे पास आउट इस ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और इसमें जो है आपको जो है फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना है, इसमें जो है और इसमें जो है डेट की अगर बात करते हैं तो यह जो है फॉर्म जो है आवेदन 10/9/2023 से ही फॉर्म जो है आवेदन होना स्टार्ट हो गया। इसकी लास्ट डेट जो है 24/9/24 को इसकी लास्ट डेट है। और डाउनलोड जो एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड होगा यह 28/9 को जो है आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। और रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं तो 8/10 को जो है आपको जो है रिटर्न टेस्ट हो गया, रिटर्न टेस्ट जो रिजल्ट आ जाएगा 10/10 को आपको जो है रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।